हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे ज़ुकाम हो गया है बहुत तेज़ वाला, तो ये मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ 6 अप्रैल का। तो यहाँ पर लग रही है मुझको मेहंदी, सॉरी 5 अप्रैल का है ये। 5 तारीख को मैंने मेहंदी लगवाई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेहंदी की डिज़ाइन। मैंने यहाँ पर मॉम डैड टू भी लिखवा रही हूँ, क्योंकि बेबी शावर के लिए मेहंदी लग रही है। तो यहाँ पर ऐसे इस टाइप से लगवाई है मैंने मेहंदी। और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखा है मेहंदी डिज़ाइन का। तो बस यहाँ पर मैं दोपहर में बुला लिया था इनको मेहंदी के लिए लगभग 2 बजे के करीब। और मेहंदी देखिए आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। कुछ डिज़ाइन देखी थी हमने इंस्टाग्राम से, तो उसी को ही लगवाया है। और ये जो मेहंदी लगा रही हैं, इनका नाम शिफा है मंडला की, बहुत ही फेमस मेहंदी वाली है। मतलब ये शादी वगैरह में भी ब्राइडल मेहंदी लगाती हैं, तो मैंने उन्हीं को ही बुलाया था। तो बस यहाँ पर मेहंदी पीछे आगे साइड लग गई है, सूख भी गई है, बस पीछे लग रही है मुझे। और ये देखिए ये लगने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ़ोटो सेशन के लिए ऐसे इस तरीके से पोज दे रही हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 7 अप्रैल की है बेबी शावर, डेट दी हुई है बेबी शावर की एंड कमिंग सून लिखा हुआ है। और ऊपर बेबी शावर लिखा हुआ है, इस एंड में मॉम डैड तो भी लिखा हुआ है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ और आने वाले बेबी की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। एवरीवन कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और चलिए आज मैं बताती हूँ, आज है 5 तारीख हो गई है, 5 अप्रैल है, और परसों है मेरी बेबी शावर, शादी बोलते हैं हमारे यहाँ, मैंने पहले बताया था आप लोग को। तो सुबह तो मेरी मेहंदी लग गई है और मैंने पानी नहीं डाला है अभी, केवल मेहंदी छुटा दी है, पानी नहीं डाला है, तो कलर आ जाएगा रात तक, कल तक तो बढ़िया कलर आ जाएगा। तो बस तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं परसों की। और अंकिता दीदी भी पहले ही आ गई थी, मतलब 4-6 दिन पहले ही आ गई थी वो। तो मैंने जो चलो अपडेट आप लोग को दे देती हूँ। और कल लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कल दीदी भी आ जाएगी, सोनल दीदी, और रात तक, और मेरी मासी जी वगैरह, मतलब मासी सास वगैरह और भी लोग जैसे आ जाएंगे, चंदिया से आ जाएंगे, कल रात तक सब लोग आ जाएंगे। फिर परसों जो है सुबह को 12-1 बजे के समथिंग बेबी शावर होगा। तो कोशिश करूँगी मैं तो, क्या बैठ जाऊँगी बेबी शावर में, मतलब गोद वगैरह भरी जाएगी, तो किस तो मैं किसी से बोलूँगी कि मेरी वीडियो बना दो करके, तो फिर मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। तो अभी टाइम बता दूँ, 7 बजे हैं देखिए। तो एक्चुअली अभी ना सबको सर्दी खांसी हो रही है घर में, तो अभी मम्मी को और दीदी को लेके गए हुए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि ना आज ही इतना तेज़ सबको जुकाम हो गया और कल से काम है घर पे, तो इसलिए लगा एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं तो सही रहेगा। तो अभी मम्मी को और दीदी को लेके गए हैं ये डॉक्टर के पास। मेरे को भी थोड़ी सी लग रही है हरारत सी, मतलब सर्दी खांसी सी, तो इतनी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कल तक मैं भी और हो जाएगी। अभी थोड़ा मेरे गले में दुख रहा है। और बस चलिए अभी मैं खाना बनाऊंगी आज। मुझे, मैं सोच रही हूँ भिंडी मसाला बनाती हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी 10 मिनट बाद, 7:30 बजे के समथिंग खाना बनाती हूँ मैं। तो अभी 7 बजे हुए, आधे घंटे बाद जाती हूँ किचन में, फिर मैं खाना बनाऊँगी। सो गाइस मैंने बोला था भिंडी मसाला बनाया, तो इसकी वीडियो नहीं ली थी मैंने, तो ये भिंडी मसाला रेडी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मेरे ब्लॉग में 5, 6 और 7 का व्लॉग मिक्स है। मैं क्या वेयर करने वाली हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ बेबी शावर के दिन। तो आज है 6 अप्रैल, तो रात में सोनल दीदी, भाभी वगैरह आ जाएंगी, तो आज मतलब मेरे घर में ही रुकेंगी। तो कोशिश करूँगी वीडियो लेने का, बट मैं देखती हूँ। और चलिए उसके पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं क्या वेयर करने वाली हूँ कल, क्योंकि कल फिर टाइम मिला नहीं मिला, इसलिए आज ही बता देती हूँ। तो ये देखिए ये है साड़ी मेरी, ठीक है, जो मैं कल बेबी शावर में पहनने वाली हूँ, और इनकी मैचिंग का हो गया इनका ड्रेस, कुर्ता पैजामा। तो ये कुर्ता पैजामा अंकित दीदी की तरफ से है,
क्योंकि अभी बेबी शावर में टीका में लगेगा कपड़े ना, तो दीदी सागर से ही ले आई थी मैचिंग का, क्योंकि मुझे तो यहाँ अभी कहीं जाना ही नहीं था, तो दीदी बोली थी मैं ले आऊँगी, मुझे देना ही है भैया को कपड़े। तो ये दीदी की तरफ से हो गया एंड ये सारी हो गई जो मैंने आप लोग को बताई थी मायके से लगती है। तो ये बुआ अभी गई थी ना खजुराहो में, बताई थी आप लोग को पहले पिछले वाले ब्लॉग में दीदी के यहाँ पर शादी में, तो वहाँ से कटनी से लेकर आई थी मायके वाली साड़ी। तो मैं आप लोग को बता दूँ ये जो लटकन लगे हुए हैं बेबी शावर में ना, ये जो साधे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें ना ये मायके से लेस में चांदी के 5 और 1 गोल्ड का लटकन लगता है, उसको नाछू बोलते हैं हम लोग के अग्रवाल में, मतलब ये होता है। तो ये देखिए ये इसमें लगा हुआ है ये गोल्ड का ये लटकन, गणेश जी बने हुए हैं ये देखिए, एंड चांदी के लड़के हुए हैं साथ में। तो ये चांदी का लगा हुआ है घुंघरू टाइप है ना, तो इस तरीके से 5-6 लगे हुए हैं, एक ये हो गया और ये बीच में ये गोल्ड का लटकन लगा हुआ है। तो ये सब ना मायके का लगता है साधे में, ये चांदी के लगा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखा देती हूँ, साड़ी बहुत प्यारी है और ऑर्गेंजा टाइप कपड़ा है। जब मैं वेयर करूँगी तो फाइनल आप लोग को फिर लुक दिखाऊँगी, और जब भी फ़ोटो वगैरह भी फोटोग्राफी भी करवाएंगे उसका भी वीडियो शेयर करूँगी। एंड ये ब्लाउज़ बनवा लिया है, ब्लाउज़ इसका ये है, इसमें डिज़ाइन दी हुई थी अलग से, मुझे कुछ करवाना नहीं पड़ा है क्योंकि नेक वगैरह सब बना हुआ था, तो मैंने साइड जिप की बनवाया है ब्लाउज़, तो ब्लाउज़ भी रेडी है मेरा। तो चलिए फिर ये था, मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, फिर कल टाइम मिला नहीं मिला इसलिए। साथ में ये ज्वेलरी वेयर करने वाली हूँ मैं, तो ये आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज है किंजल चौहान करके एक पेज है, बेबी शावर ज्वेलरी, और भी तरीके की ज्वेलरी मिलती है, मतलब बनती हैं, बनाती हैं, कस्टमाइज़ करती हैं। तो मैंने ये कस्टमाइज़ करवाया है पिंक एंड ब्लू थीम में, तो ये देखिए आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन दिया है इन्होंने, ये बीच में माँ लिखा हुआ है, एंड ये हो गया ब्रेसलेट बेबी गर्ल बेबी बॉय मॉम टू बी डैड टू बी। और इसमें ना मैंने पूरा मंगवाया नहीं है, नहीं तो इसमें बैंगल्स का भी मिलता है पूरा सेट, बैंगल्स और कमरबंद, तो मैंने उसमें नहीं लगाया, मैंने इतने का सेट मंगाया, नेकलेस हो गया, इयररिंग्स हो गए, और ये ब्रॉच हो गया, और ये क्या बोलते हैं वो ब्रेसलेट हो गया। अगर आप लोग को परचेस करना है, आप लोग को भी कभी बनवाना है तो आप लोग भी बनवा सकते हो, काफ़ी अच्छा पेज लगा मुझे एंड ट्रस्टेड पेज है। तो मैं ज़्यादा है ना तो उसका लिंक दे दूँगी आपको उनके क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम का। तो अगर आप लोग को कभी बेबी शावर का बनवाना है, शादी वाला ज्वेलरी बनवाना है, तो मेहंदी के लिए हल्दी के लिए, तो वो सब टाइप से डिज़ाइन करती हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मुझे पता है इसके पहले ही मैं ये सब शूट करके रख लूँ इसलिए। मैं ये बेंदी दिखाने को भूल गई है, ये बेंदी भी मांगटी का दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है माँ, और ये पिंक कलर के देखिए दो कलर की बनवाई है मैंने। सो गाइज यहाँ पर एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे मायके से आएगा साधे में बेबी शावर में। तो ये सब मेरी मम्मी ने बनाया है पकवान, मतलब बाइना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये सब लगता है मायके से, तो ये सब मम्मी ने बनाया है, इसका वीडियो ऑलरेडी वर्षा भाभी ने डाला है। इसके बाद मैं फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ 7 तारीख का। तो ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किया है मैंने, मेन पार्ट शूट किया है कुछ, सोनल दीदी ने मेरे फ़ोन से शूट किया है, तो यहाँ पर मैंने मेकअप वाली को बुलाया था, तो साड़ी वगैरह मैंने वेयर कर ली है, ऑलमोस्ट मेरा मेकअप भी डन हो गया है। तो कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा, ज्वेलरी कैसी लग रही है, साड़ी कैसी लग रही है, यहाँ सब कुछ बताइएगा आप लोग। ये मिनी मौसी भी आ गई है, और मिनी बुआ की तबीयत खराब हो रही है लल्ला को खिलाने में, लल्ला बहुत परेशान कर रहा है। और ये सिद्धी दिखाना आप यहाँ, आहा ये सिद्धी क्या ली हुई है हाथ में, क्या ली हो? पापा पास चल जाओ सिद्धी, नानू मम्मा को बोलो भैया की बोतल दे, भैया रो रहा है, बाल खा रहे हैं, अभी बिंदी लगाना बाकी है।
तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। उनकी दीदी काजल मांग रही थी तो मैं ढूंढ रही थी, फिर उनने कुछ ले लिया था, मतलब दीदी ने दे दिया था कुछ, तो मैं वही ढूंढ रही थी। यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, काजल लगा रही है कि नज़र ना लगे करके। तो अंकिता दीदी भी तैयार हो गए, सब लोग रेडी हो गए, बस अब हम लोग निकलेंगे होटल के लिए। उसके पहले दीदी ने बोला ला तेरा वीडियो शूट कर देती हूँ। सोनल दीदी ने ऊपर से पूरा नीचे तक का, नीचे से पूरा ऊपर तक कि कैसा क्या लुक है। तो अभी मैंने चूड़ी बैंगल्स नहीं डाले थे, मुझे याद आया अरे बैंगल्स तो डाले ही नहीं है, तो फिर मैंने बैंगल्स डाले। और बाकी सब लोग नाश्ता वगैरह घर में ही था, बताया ना मैंने शूट ही नहीं किया कुछ भी। तो सब लोग ने नाश्ता वगैरह करके चले गए होटल। हम लोग को लास्ट में बुलाया गया था क्योंकि मतलब पापा ने बोला था तुम लास्ट में आना, तो मैं और ये जा रहे हैं बस होटल के लिए। तो बस पहुंच गए हैं, घर के थोड़ी थोड़ी दूर पे ही था होटल, तो बस हम लोग पहुंच रहे हैं। इसके बाद जाकर ना मेरा फ़ोटोशूट होगा, मैटरनिटी फ़ोटोशूट, उसका वीडियो भी है मेरे पास एक शॉर्ट्स वीडियो, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ सिनी का फ़ोटोशूट हो रहा है, मैटरनिटी फ़ोटोशूट। बहुत अच्छी लग रही हूँ, ठीक नहीं? जीजू आ गया तो जीजू के सामने शर्मा रही है सिनी। ऐसे पेट वेट में पकड़ के करवाया है? हाँ भैया लोग को तो खुद ही पता होगा सब। साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, पता? गाने बना रहे हैं इनको हम लोग। गाइस वहाँ पर वीडियो शूट चल रहा है, मैं फोटोग्राफी मैटरनिटी फोटो शूट चल रहा है वहाँ पर। हम लोग यहाँ पर बच्चों के डांस करना था तो मैंने इनका वो नहीं किया हुआ था, सॉन्ग्स को मर्ज नहीं किया हुआ था, तो वही कर रही थी। तो बस जल्दी ऐसा लगा रिंग में ठीक है हट। सो गाइज यहाँ पे मैंने सोनल दीदी को फ़ोन दे दिया था, बताया था मैंने, क्योंकि मैं तो फ़ोटोशूट में थी और ये कुछ फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक दो। तो डांस वगैरह के लिए नन्नू और नानू ने प्रिपेयर किया था बट डांस हो नहीं पाया। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग जल्दी अपलोड करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।